हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज की वीडियो में हम लोग सी प्रोग्रामिंग का सेट थ्री में टॉप 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग सेट वन और सेट टू डिस्कस कर चुके हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको सीक्वेंस जो है ना सेट वन और सेट टू मिल जाएंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा जा रहा है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट परफॉर्म ए पार्टिकुलर टास्क इज कॉल्ड। यानी कि इंस्ट्रक्शन का जब हम लोग सेट बना देते हैं तो उस सेट जो है ना किसी पार्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए एबल होता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं प्रोग्राम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन इज यूज टू डिटरमाइन द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग। किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ अगर आपको फाइंड करना है तो इनमें से कौन से फंक्शंस का आप यूज करेंगे या किस फंक्शन का यूज करके हम लोग किसी भी स्ट्रिंग के लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई लेंथ है, यहाँ पे आपका जाता है इनवर्सिटी, तो इसका कितना लेंथ है, किस फंक्शंस के द्वारा हम लोग फाइंड कर सकते हैं, तो इसका काउंटिंग करके जो है ना कैरेक्टर्स को फाइंड करता है। और वो आपका फंक्शन है स्ट्रिंग लेंथ, str दैट मींस कि स्ट्रिंग, len मींस लेंथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा a, स्ट्रिंग लेंथ। जबकि प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे strcmp से हम लोग दो स्ट्रिंग को कंपेयर कर रहे थे, यहाँ पे लेंथ फाइंड करना है तो स्ट्रिंग लेंथ जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स हैं। इज ए सेल्फ कंटेंट ब्लॉक ऑफ अ स्टेटमेंट दैट परफॉर्म ए कोहेरेंट टास्क ऑफ सम काइंड। किसी प्रकार के टास्क को, किसी पार्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक सेट होता है ब्लॉक का, उस ब्लॉक को हम लोग क्या कहते हैं? तो आप सिंपल जो है ना, जब डेफिनेशन पढ़े होंगे पॉइंटर का, एरे का, स्ट्रक्चर का और फंक्शन का, तो इनमें से किसी एक का जो है ना ये डेफिनेशन ही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। डी का ये डेफिनेशन होता है फंक्शन का कि फंक्शन एक सेल्फ कंटेंड ब्लॉक होता है जो किसी पार्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन स्क्वायर रूट डी इज डिफाइंड इन हेडर फाइल। किस हेडर फाइल में जो है ना डिफाइन किया जाता है? डिफरेंट हेडर फाइल में, सिमिलर में, इंटीजर में? तो आप देख रहे हैं कि स्क्वायर रूट डी जो होता है ना, कहा जा रहा है कि हेडर फाइल में डिफाइन किया जाता है और यहाँ पे कोई हेडर फाइल का नाम नहीं दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, नॉन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई नहीं। इस तरह का क्वेश्चन जो है ना आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सटेंशन फाइल्स बाय डिफॉल्ट फॉर सी प्रोग्राम। किसी भी सी प्रोग्राम का जो है ना एक्सटेंशन फाइल नेम क्या होता है? तो यहाँ पे क्या आपका डॉट सी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि डॉट डी ओ सी यूज करते हैं डॉक्यूमेंट्स के लिए, डॉट पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए, डॉट exe एक्सक्यूशन फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स रीड्स द सोर्स कोड ऑफ ए प्रोग्राम लाइन बाई लाइन। इसमें आपको फिल करना है कि कौन सा जो है ना प्रोग्राम है जो सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन रीड करता है प्रोग्राम में। तो आपका यहाँ पे है इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर और नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से सॉफ्टवेयर, जिसमें हम लोग देखे थे व्हाट इज ट्रांसलेटर, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर एंड असेंबलर। इसमें इंटरप्रेटर और कंपाइलर का काम जो है ना सेम होता है, यानी कि सोर्स कोड को वो डायरेक्ट कोड में बदलता है, या फिर कह सकते हैं आपका हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। लेकिन कंपाइलर जो है ना होल प्रोग्राम को एक ही बार में कन्वर्ट करता है, जबकि इंटरप्रेटर जो है ना लाइन बाई लाइन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेंज ऑफ इंटीजर डेटा टाइप। इंटीजर डेटा टाइप का रेंज क्या होता है, इसे इस ऑप्शंस में चूज करना है कौन सा होगा। हम लोग रेंज कैसे फाइंड करते हैं किसी भी डेटा टाइप का, हम उसका वीडियो
आपके चैनल पे अवेलेबल है, इस चैनल पे अवेलेबल है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं कैसे निकालते हैं। थोड़ा सा हम आपको ओवरव्यू यहाँ पे देते हैं। जैसे कि हमारे पास आपका इंटीजर जो है ना, इंटीजर का साइज होता है मेमोरी में 2 बाइट बाय डिफॉल्ट। 2 बाइट में कितने बिट होंगे आपका, 16 बिट, क्योंकि 8 बिट का 1 बाइट होता है, तो 16 बिट। अब इसका रेंज निकालना है तो 2 के पावर 16 करेंगे, इसका जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 65536। अब इसमें आपको देखना है कि जो इंटीजर कहा जा रहा है वो साइंड या अनसाइंड। अगर साइंड अनसाइंड नहीं कहा जा रहा, सिर्फ इंटीजर पूछा जा रहा है, तो इसका जो रेंज हो जाएगा आपका बाय डिफॉल्ट इसका हो जाएगा साइंड। ठीक है, बाय डिफॉल्ट साइंड। और साइंड मीन्स क्या हो गया कि आपको पॉजिटिव भी और निगेटिव भी, तो इन दोनों को पॉजिटिव और निगेटिव में बांटेंगे तो आपको इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब 2 से डिवाइड करेंगे आपका आ जाएगा 32,667। तो यहाँ पे आपका रेंज हो जाएगा -32,769 टू +32,767। अगर यहाँ पे कहा जाता अनसाइंड, तो अनसाइंड का होता है 0 से लेकर के 65,535 तक। ठीक है, तो इसमें जो है ना 36,000 है, तो 1 0 ले लिए तो कितना हो गया 35 तक। तो यदि अनसाइंड की बात करें तो 0 से लेकर के 65,535 हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ भी नहीं कहा जा रहा है तो बाय डिफॉल्ट साइंड होगा, और साइंड में होगा आपका ये 32,769 से लेकर के 32,767। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच मेमोरी रिक्वायर्ड फॉर ए सिंगल कैरेक्टर डाटा टाइप। अगर कोई सिंगल कैरेक्टर डाटा टाइप है तो उसका मेमोरी में स्पेस कितना रिक्वायर करेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। हम लोग जानते हैं कि यदि कैरेक्टर डाटा टाइप है तो 1 बाइट स्पेस लेगा मेमोरी में, अगर वो इंटीजर टाइप का है तो वो 2 बाइट मेमोरी में स्पेस लेता है बाय डिफॉल्ट, और अगर आपका फ्लोट है तो फ्लोट लेता है कितना 4 बाइट। इस तरह से जो हम लोग पहले देख चुके हैं, अगर डबल है तो वो लेगा 8 बाइट। तो इस तरह से जो हम लोग साइज को एक्वायर करता है हमारे मेमोरी में। यहाँ पे कैरेक्टर की बात की जा रही है तो कैरेक्टर 1 बाइट लेगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कीवर्ड्स। इनमें से कौन कीवर्ड्स नहीं है, हम लोग जान चुके हैं कि 32 टोटल कीवर्ड्स होते हैं हमारे सी प्रोग्रामिंग में, तो देखना है कौन नहीं है। तो सी एच ए आर कैर हम लोग यूज करते हैं कैरेक्टर के लिए, ए है। ब्रेक भी हम लोग यूज करते हैं, ब्रेक एंड कंटिन्यू हम लोग स्टेटमेंट देख चुके हैं। स्विच भी हम लोग यूज करते हैं जिसमें केस कंट्रोल वाला स्टेटमेंट यूज करते हैं। पॉइंटर क्या है, पॉइंटर एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल है जो किसी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है, होल्ड करता है। तो कौन पूछा जा रहा नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ये क्या है, पॉइंटर क्या है, हमारा कीवर्ड नहीं है। एंड लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ASCII stands for, सिंपली ASCII का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इसका होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो ये जो है ना टॉप 10 क्वेश्चन हम लोग आज के वीडियो में देखे। नेक्स्ट सेट में जो है ना सेट 4 में हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे। टॉप 20 क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है, 15 मिनट 20 मिनट का हो जा रहा है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन कम किए, छोटा छोटा वीडियो करके हम लोग आसानी से उसको कवर कर लेंगे। टोटल क्वेश्चन को कवर करेंगे लेकिन थोड़ा सा कम टाइम लेके, जिससे कि हम लोग पूरा आसानी से सारे क्वेश्चन को कवर करें और हमारे माइंड पे कोई बर्डन भी ना हो। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए।